पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालत बिगड़ चुके हैं। यहाँ से पानी की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर में कुछ जवान स्कूल के कुछ बच्चों को पानी के तेज बाद से दूर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कई बच्चे डर कर रोते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान में बारिश की वजह से इतना पानी भर गया है कि कई इलाकों में लोग फंस गए हैं। ऐसी एक सड़क पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर सड़क पर ही उतर गया। उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई है। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत में फंस गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के एक इलाके में बचाव दल के लोगों ने एक बिल्ली की जान बचाई। पाकिस्तान की इस बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मदद के लिए कई जगहों पर कैंप भी बना दिए गए हैं। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात की एक और तस्वीर सामने आई है। इसमें हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, जबकि एक सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया जा रहा है कि सड़क पर पानी भरने और टूटने की वजह से ये गाड़ियां एक ही जगह पर फंस गईं। पाकिस्तान की स्वात नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नदी में उफान की वजह से कई पुल बह गए, कई जगहों पर सड़कें ही पानी के बहाव की चपेट में आ गईं। बाढ़ की वजह से भारी संख्या में लोगों को पलायन के लिए भी मजबूर होना पड़ा है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद बचाव दल के कुछ लोगों ने इन लोगों के इलाज के लिए भी डॉक्टर्स की एक टीम लगाई। पाकिस्तान में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद बचाव दल के लोग एक नाव पर सवार होकर उनके पास पहुंचे, उनकी मदद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जिधर भी नजर जा रही है पानी पानी दिखाई दे रहा है, जबकि लोग अपने डूबे हुए मकानों को बचाकर जरूरत का सामान निकालकर बाहर आते नजर आए।